अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। वीवर्स, आज की वीडियो आप लोग के लिए एक हाईली प्रॉफिटेबल वीडियो होने जा रही है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं एक मरतबा फिर पावर सेक्टर की डिविडेंड देने वाली कंपनी कैपको को डिस्कस करने जा रहा हूँ। कैपको पे वीडियो बनाने की वजह यह है कि कैपको में इस वक्त एक अपॉर्चुनिटी है, शॉर्ट टर्म में एक अच्छा गेन आपको मिल सकता है, और वो मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा कि क्या स्ट्रेटेजी आपने अपनानी है। कैपको को आज मैं डिटेल में बात करूंगा, और अभी इसने रिसेंटली डिविडेंड भी अनाउंस किया था, तो जो लोग डिविडेंड अवेल नहीं कर सके कैपको का, तो उनके लिए भी एक मौका है, और जो लोग फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं कैपको में, तो उनके लिए भी एक अच्छा मौका है। अभी इसमें आप एंट्री लेकर अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं, वो भी शॉर्ट टर्म में, और लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा से कैपको मैंने आपको एडवाइस किया है। और इसने 20 रुपये का लो बनाया था, उस टाइम भी मैंने आपको एडवाइस किया था कि कैपको को आप जो है इसको एक अपॉर्चुनिटी समझें, और बहुत ही सस्ते लेवल पर आ गया था ये, क्योंकि उस वक्त हमारी मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो गई थी, जिसकी वजह से कैपको की जो प्राइस थी वो 19-20 रुपये के दरमियान में ट्रेड हो रही थी। तो बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि कैपको जो है वो पावर ब्रांड बंद होने वाला है, और अब इस कंपनी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। तो मैंने उस वक्त भी आपको ये बात कही थी कि ये कंपनी जो है वो डिविडेंड देने वाली कंपनी है, और बहुत सारे लोग सिर्फ इसीलिए इसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि इसका डिविडेंड ले सके। और सबसे अच्छी बात यह कि अर्निंग से भी ज़्यादा डिविडेंड देती है कंपनी, और लास्ट क्वार्टर में इसने हाफ ईयरली रिजल्ट में अर्निंग इसकी जो थी वो आधी थी, और उसका डबल इसने डिविडेंड दिया। तो डिविडेंड के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो कैपको से अच्छा शेयर इस वक्त पूरी स्टॉक मार्केट में शायद कोई ना हो। तो आज मैं कैपको को डिटेल में डिस्कस करूँगा। व्यूवर्स, वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है आप लोगों के लिए। मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो सबसे पहले बात करते हैं कैपको की करंट प्राइस की। करंट प्राइस इस वक्त 27 रुपीज़ पर यह ट्रेड हो रहा है, और अब ये एक्स हुआ है, डिविडेंड दिया था 4.5 रुपये का इसने, और ऑलमोस्ट 31 का इसने हाई बनाया था, और उसके बाद अब ये एक्स होने के बाद 27 पर ट्रेड हो रहा है। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसका डिविडेंड लिया है जिन्होंने, और बहुत सारे लोग इसका डिविडेंड अवेल नहीं कर सके, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि इसको अभी बाई कर सकते हैं कैपको को। उसकी वजह यह है कि 27 रुपये के लेवल पर यह ट्रेड हो रहा है, और ये एक्युमुलेशन फेस है इसका। अगर आप इस वक्त इसको एक्युमुलेट कर दें, तो आप देखेंगे इसी वीक में ये 2-3 रुपये के मूव बना सकता है, और इजीली 29 रुपीज़ तक ये जा सकता है। मार्केट कैप की इसकी बात करूँ तो 24 बिलियन की मार्केट कैप है। EPS 2 क्वार्टर का आया है 2023 में, अपने हाफ ईयरली रिजल्ट में 2.77 इसका EPS था, और डिविडेंड अनाउंस किया इसने 4.5 रुपये का। आप देखें अर्निंग से भी डबल डिविडेंड दिया है, तो डिविडेंड के मामले में कैपको हमेशा से बड़े दिन का मुजाहरा करता है, और अच्छा डिविडेंड देता है। और अपॉर्चुनिटी ये है कि इसमें अभी अगर आप लोग बाई करते हैं शॉर्ट टर्म में, अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है, और जून क्लोजिंग करीब है इसकी, तो जून में ईयरली क्लोजिंग में ये अच्छा डिविडेंड अनाउंस करेगा, और आप देखेंगे कि 4-5 रुपये का ये डिविडेंड दे सकता है जून क्लोजिंग में। तो शॉर्ट टर्म में भी इसमें एक अच्छा प्रॉफिट आपको मिल सकता है, और लॉन्ग टर्म में भी आपको 4-5 रुपये का गेन मिल सकता है। तो बाइंग प्राइस जो है वो हमारी 27 होगी इसकी, और जो लोग इसको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट में सेल करना चाहते हैं, तो सेलिंग प्राइस इसकी 29 एंड अबव है। तो 2-3 रुपये का गेन आपको मिल सकता है। व्यूवर्स, कैपको को मैंने हमेशा से आपको रिकमेंड किया है, और मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक शुरू से है, और हमेशा से इसने मुझे प्रॉफिट कमा कर दिया है, और इसने मुझे इन्वेस्टमेंट से भी ज़्यादा का डिविडेंड पे करा है कैपको ने। तो कैपको जैसा स्टॉक जो है वो स्टॉक मार्केट में अगर डिविडेंड की बात करूँ तो इस वक्त टॉप मोस्ट डिविडेंड पेइंग स्टॉक है ये कैपको, और मेरी लिस्ट में हमेशा से नंबर 1 रहा है कैपको। और मैं सजेस्ट करूँगा कि आप लोग इसमें अभी इन्वेस्ट करके इसमें शॉर्ट टर्म में भी एक अच्छा गेन कमा सकते हैं। तो व्यूवर्स, आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए एक वैल्यू एडिशन साबित हुई होगी। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं टाइमली आपको अच्छे स्टॉक्स के बारे में बताऊं, ताकि आप लोग स्टॉक मार्केट से अच्छा प्रॉफिट कमा सकें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट पर अपनी राय दें,
और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको टाइमली मिलती रहे। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।